गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हल्दीराम जैसे मसाला मूंगफली। उसके लिए हमने ये देखिए 250 ग्राम मूंगफली ले लिया है। इसको हमने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद हमने चावल पिसा हुआ ले लिया है, तो इतना सा है, देख लीजिए, 1.5 चम्मच होगा बड़े चम्मच से। उसके बाद हमने काली मिर्च पिसा ले लिया है। ये देखिए हमने हल्दी ले लिया है, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। उसके बाद हमने तीखा लाल मिर्च लिया है, गरम मसाला लिया है, चाट मसाला लिया है। फिर उसके बाद हमने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चाट मसाला थोड़ा मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा धनिया मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम अदरक का अभी थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद और हम बेसन में मिक्स करेंगे, इसलिए हमने सारा थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर दिया। काला वाली मिर्च भी ले लिया, काला नमक ले लिया है थोड़ा सा, तीखी मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, यानी थोड़ा थोड़ा आपको सारा इसमें पहले मिक्स कर देना है। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, इसको भी आपको मिक्स कर देना है। थोड़ा सा हम इसमें सादा नमक ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपको हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से उसके बाद दिखाते हैं। हल्दी हम थोड़ा और लेंगे, हल्दी हमको कुछ कम लग रही है। मिक्स करके आपको हम इसको दिखा, ये देखिए हमने सारे मसाले जितने आपको दिखाए थे सारे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। नमक उमक इसमें हम थोड़ा थोड़ा सारा पहले से मिक्स कर दिए हैं, ताकि अच्छी तरह से खाने में इसको हमको अंदर से भी इसका नमक का स्वाद मिले, नहीं तो ऊपर से ही मिलेगा बेसन में अगर हम इसको सारा ऐड करके इसमें छानेंगे तो। इसलिए हमने थोड़ा पहले से भी मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच बड़ा, इसी चम्मच से 2 बड़ा बेसन लेंगे। फिर उसके बाद हम चावल का आटा लेंगे। फिर हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जो जितने से दिखाए थे आपको सारे मसाले इसमें, सारे जितने आपको दिखाए थे सब। हाँ, अगर आपको गरम मसाला या तीखा मिर्च नहीं खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा कम ऐड कर सकते हो, या आपको मसाला गरम बिल्कुल नहीं पसंद है या तीखा नहीं खाना पसंद है तो आप इसमें सिर्फ नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, चाट मसाले और काली मिर्च से ही इसको बना सकते हो। आपको जो कम पसंद है आप उसको छोड़ सकते हो। अब इसमें हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके पूरा आपको तब अच्छे से हम इसको दिखाते हैं। ये देखिए, हमको इसको कुछ इस टाइप से मिक्स करना है। सारा सामान आप इसमें ऐड कर दीजिए, जितने भी आपके मसाले हैं। उसके बाद आप इसमें पानी की मात्रा बहुत कम रखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर, यानी कि जैसे आपकी ये मूंगफली है, देख लीजिए इसमें सारे मिक्स कर दिए हैं, आपकी मूंगफली कहीं से दिख नहीं रही है। ऐसे पूरा इसमें मिक्स कर देना है आपको सारा। सूखा आपको ज़्यादा रखना है, इसमें पानी बहुत कम ऐड करना है, क्योंकि आपकी पहले से मूंगफली भीगी रहती है, पानी उसमें रहता है, इसलिए पानी आप इसमें बहुत कम ऐड करिएगा। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हो,
आपको इसमें जितना मतलब बेसन मिक्स हो जाए, जितने में आपका ये सारा बैटर बन के रेडी हो जाए उतना आप बेसन इसमें ऐड कर सकते हो। उस हिसाब से आप नमक वगैरह भी सारा ना ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा सारा ये मिक्स होके रेडी हो गया है। अब इसको हम तेल रख देंगे गर्म होने के लिए। अब इसको हम इसको छानने लगेंगे तब आपको दिखाएंगे। हमारा गर्म हो गया था तो इसमें हम इसको ऐड कर दिए हैं। बहुत हमको इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि आपकी अच्छे से मूंगफली अंदर से पक जाए। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। देख लीजिए तेल हमारा गर्म हो चुका था तब हम इसमें इसको ऐड कर दिए हैं, लेकिन लो फ्लेम किए हैं, हाई फ्लेम नहीं रखना है आपको। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसको बना के पूरा रेडी कर लीजिए, उसके ऊपर से भी आप चाट मसाला लाल मिर्च तीखी वाली ऐड कर सकते हो। हमने सारा अंदर से ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऐड कर दिया है, अगर आपको फिर भी कम लगे खाने में तो आप ऊपर से भी इसमें मिक्स करके मिला के अच्छे से एक डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, कोई अच्छे से डिब्बे में जिसमें हवा ना अंदर से जा सके अंदर, नहीं तो वंट जाएगी तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। ये देखिए अभी हमारा ये पक रहा है, हमने एकदम लो फ्लेम रखा है ताकि अच्छे से मूंगफली हमारी पक जाए। हमारे जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों फैमिली के साथ। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, एक बार अपने घर में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इस लॉकडाउन में अपने हाथ का बनाइए, गर्मा गर्म खाइए। बरसात का मौसम भी है लेकिन दिल्ली में हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। इसको आपको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाना है। आप इसको सुबह या शाम दोपहर जिस टाइम आपको चाय पीने का मन करे उसके साथ आप इसको खाइए, आपको बहुत टेस्ट लगेगा, अच्छा टेस्ट आएगा इसका। बनाने में एक सावधानी आपको रखना है, इसमें पानी बिल्कुल कम ऐड करना है। अगर लगे कि आपको ये पानी इसमें चाहिए तभी आपका चावल का आटा और बेसन इसमें मिक्स होगा, तभी आप इसमें पानी करिए। बनाने के 10 मिनट पहले आप इसको भिगो के आप 7 मिनट रख दीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से इसको छान लीजिए पानी से। सारे जितने भी हमने सारे सामग्री इसमें आपको दिखाए हैं सारे इसमें ऐड कर दी। किसी थाली में आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए जैसे हमने आपको दिखाया है, आपको स्वयं वैसे करना है। अभी ये पक रही है उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपकी अच्छी तरह से रेडी हो गई है, चटक गई है बीच में, तो समझ लीजिए आपको ये रेडी हो गई। अब आपको हम इसको निकाल के तब उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसी टिप से हम दूसरा भी ऐड कर दिए हैं, सेम वैसे आपको दूसरा भी बनाना है। हमने एक बार निकाल लिया है, दूसरा ऐड कर दिया है। आपको हल्का गोल्डन रखना है इसको। आप उसको एक
खा के चेक कर लीजिए, अगर आपको अंदर से मूंगफली पकी दिखे समझ लीजिए आपका ये पक गया है, आप इसको निकाल लीजिए। अब हम इसको बंद कर देंगे, हमारा ये रेडी है बन के। अब इसको हम छान के निकाल के उसके बाद आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल पे जो है नए सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। ये देखिए बनके हमारा रेडी हो गया, देख लीजिए आप लोग इसी कलर में आपको भी बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक इसमें छानते वक्त एक मूंगफली निकाल के ठंडे करके उसको थोड़ा खा के देखिए, अगर अंदर से आपकी मूंगफली पक गई है तो समझ लीजिए आपका ये बनके रेडी हो गया है। नहीं मूंगफली अंदर से जल जाएगी, ऊपर से आपको लगेगा कि अभी कच्चा ही नहीं है, इसीलिए आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो।